हेलो नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कवि किशोर काबरा द्वारा रचित खंड काव्य जिसका नाम है धनुषभंग। धनुषभंग के बारे में आगे भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे और आगे उसकी कथा वस्तु या उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने आगे बात की है। किंतु कुछ लोगों ने बताया कि परीक्षा लक्ष्य भी आप बात कीजिए, तो इस हिसाब से आज जो है हम परीक्षा की दृष्टि से धनुषभंग की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि एग्जाम या परीक्षा जो है वो आती जाती रहती है। उस आप ये मत सोचिए कि हम ऐसा लिख देंगे या ऐसा कर देंगे, ठीक ठाक है सब, किंतु आप अपनी जितनी मौलिकता का उपयोग करेंगे, केवल आपका ये वीडियो या ये कोई पुस्तक है वो एक केवल एक आपका आधार है, और उस आधार पर आप जो है बहुत अच्छी बात कह सकते हैं। अपने विचारों को आपको अभिव्यक्त करना होता है। साहित्य में जो है वो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कीजिए कि उस बात को आप किस हिसाब से देखते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। फिर भी हम परीक्षा लक्ष्य कुछ बात करेंगे, तो सबसे पहले कवि का परिचय जो है वो होता है, तो आपको इस दृष्टि से कवि परिचय आपको कहीं से भी मिल जाएगा। कवि किशोर काबरा, उनका जीवन परिचय या उनकी काव्य कृतियाँ जो है उसके बारे में आपको जानना है, एक तो ये होता है। और आगे जो है वो हम बात करें कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि किशोर काबरा जी का जीवन, कृतित्व आदि पूछा जाता है। दूसरा, धनुषभंग का कथा सार, तो कथा वस्तु जो है वो धनुषभंग की वो 5 विस्फोट में विभाजित है। और 5 विस्फोट, ये विस्फोट शब्द जो है वो खंड काव्य के लिए इसमें एक प्रयोगात्मक रूप से प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि खंड काव्यों में ज्यादातर खंड या भाग, जैसे कि हम सर्ग की बात करते हैं तो सर्ग होते हैं, किसी में महाकाव्य होते हैं, आपने देखी है कि रामायण है या रामचरितमानस है, तो उसमें कांड है, पर्व है महाभारत में। तो इस प्रकार से लेखक को या कवि को जैसा उपयुक्त लगता है उस प्रकार से वो नाम देते हैं। तो 5 विस्फोट में पूरी कथा विभाजित है, और पूरी कथा जो है वो एक ही क्षण की कथा है, सीता के अंतर जगत में चलने वाली ये कथा है। क्योंकि सीता जब राम को जयमाला पहनाने के लिए जाती है, तब उनकी पलकों पर आकर कोई बैठ जाता है, और वो पूरी 21 पीढ़ियों की कथा कहते हैं, और वो बैठने वाले और कोई नहीं, सीता के ही वंशज निमि राजा थे। निमि राजा ने सीता को ये बताया कि 21 पीढ़ियों में क्या क्या हुआ था, और ये जो धनुष जो है वो टूटा, तो धनुष की पूरी कथा भी चलती है। किंतु धनुष भंग होना यानी कि शस्त्र की टूटना, निशस्त्रीकरण की बात है, और सीता जो है वो यहाँ पर कृषि का प्रतीक है। तो पूरी कथा जो है वो ग्रामीण जीवन के साथ जुड़ती है, ग्रामीण जीवन किस प्रकार का है उसके बारे में बात करते हैं, और निमि राजा की जो प्रजावत्सलता है, एक राजा जो है वो अपनी प्रजा के लिए क्या क्या कर सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर कवि ने दिखाया है। साथ ही पिनाक नाम के धनुष की जो कथा है कि किस प्रकार से त्रिपुरासुर का जो है अत्याचार बढ़ गया, और उसके बाद जो है वो पिनाक धनुष बना और उसके वध हुआ, तो उसकी कथा भी बीच में आई है। तो एक प्रासंगिक कथा, मुख्य कथा तो चलती है, उसके साथ साथ एक प्रासंगिक कथा का भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसकी कथा सार है। किंतु जब 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मान लीजिए कि ऐसा पूछा जाए कि धनुषभंग की कथा वस्तु लिख कर उसकी प्रतीकात्मकता सिद्ध कीजिए, तो 2 प्रश्न हुए। कई बार लोग क्या करते हैं कि पूरी कथा लिख देते हैं, 3-4 पेज कथा लिख देते हैं, किंतु वो दूसरा प्रश्न जो प्रतीकात्मकता है वो तो आप भूल ही गए। फिर आप कहेंगे मैंने तो इतना लिखा था, मुझे मार्क्स नहीं मिले। अरे मार्क्स कैसे मिलेंगे भैया, क्योंकि आपने एक ही प्रश्न लिखा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है। इसीलिए आप प्रश्न को पहले पढ़िए, पूरा पढ़िए कि उसमें क्या मांगा गया है, उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से धनुषभंग की एक कथा वस्तु है, और
सीता जो है वो राम के गले में अंत में जयमाला पहना देती है, यानी कि कृषि संस्कृति का विजय होता है, ये जरूरी है। दूसरा, उसके काव्य स्वरूप की अगर बात करें कि धनुष बंक का काव्य स्वरूप निर्धारित कीजिए, अथवा ऐसा ऐसा पूछा जाए कि खंड काव्य के तत्वों के आधार पर धनुष बंक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, धनुष बंक एक सफल खंड काव्य है समझाइए। अगर ऐसा पूछा जाता है तो धनुष बंक एक खंड काव्य है, वो तो आप सबको पता है। काव्य जो है संस्कृत साहित्य में सभी को काव्य कहा गया, और काव्य के जो है उसके दो प्रकार पड़ते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य पद जो आते हैं, और गद्य में जो है वो खंड काव्य और महाकाव्य आते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको अच्छे से लिख भी सकते हैं। खंड काव्य जो है वो महाकाव्य का एक छोटा सा भाग है, जैसे कि खंड यानी कि एक खंड यानी कि एक भाग, किसका? तो महाकाव्य का। महा शब्द से पता चलता है कि महा यानी कि बड़ा, बड़ा जो है वो महाकाव्य है। महाकाव्य की एक विशेषता होती है कि उसमें जन्म से लेकर अंत तक की कथा होती है, या महाभारत की आप बात करें, या तो रामायण की बात करें, और किसी कोई भी खंड काव्य या महा सॉरी महाकाव्य की बात करें। किंतु खंड यानी कि महाकाव्य का कोई एक प्रसंग जो है वो लेकर जो कोई कवि रचना करता है उसे खंड काव्य कहा जाता है आमतौर पर, ये सर्वसामान्य भाषा के तौर पर हम कह सकते हैं। तो एक खंड, एक प्रसंग, जैसे रामचरित का कोई प्रसंग है कि वन गमन प्रसंग, या तो रामायण का कहे तो वो वन गमन प्रसंग को आधार बनाकर अगर कोई कवि लिखता है, जैसे कि पंचवटी खंड काव्य जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, तो वो एक खंड को आधार बनाया। इसी प्रकार और भी खंड को आधार बनाया, जैसे कि जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध जो खंड काव्य है किंतु वो मूल भाग किसका है? महाभारत का है, और महाभारत में जो जयद्रथ का वध हुआ था उस प्रसंग को आधार बनाकर इन्होंने कथा लिखी है, खंड काव्य लिखते हैं। तो खंड काव्य की कथा वस्तु जो है वो महाकाव्य में से ली जाती है, या पौराणिक होती है सबसे पहले। तो उसकी एक विशेषता है कि खंड काव्य कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक होनी चाहिए, क्योंकि पुराण और इतिहास को आधार बनाकर ही हम आधुनिक जीवन की बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए पौराणिक या ऐतिहासिक कथा वस्तु जो है आधार होनी चाहिए। दूसरा, उसमें आप देखें कि खंड काव्य या महाकाव्य के एक तत्व दूसरा है, वो मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब होता है कि जब कोई कवि अपनी रचना लिखने के लिए बैठता है तो अपने आराध्य देव को याद करता है, उसे मंगलाचरण कहा जाता है। जब हम भी किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण से ही करते हैं, यानी कि हम किसी आराध्य की स्तुति से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि धनुष पंग जो है उसके उसके खंड काव्य जो है ये धनुष पंग, उसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई, यहाँ पर हमें मंगलाचरण ही देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये प्रयोगात्मक खंड काव्य है, उसमें कुछ प्रयोग किए गए हैं। मंगलाचरण क्योंकि ये राम की ही बात कर रहे हैं, और राम को ही उनके आराध्य के रूप में, जैसे कि उनकी पूरी आराधना ही है ये प्रकार से, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो है आप चरित्र कह सकते हैं, चरित्र चित्रण जो है वो कह सकते हैं। तो खंड काव्य में चरित्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का काम जो है वो खंड काव्य का, वो ये चरित्र करते हैं। धनुष भंग के खंड काव्य में चरित्र की अगर हम बात करें तो निमि राजा का चरित्र है, सीता का चरित्र है, राम का चरित्र जो है श्री राम का चरित्र बहुत कम है। बाकी जो है मूल रूप से दो चरित्र यहाँ पर है, और खंड काव्य में वातावरण ही, यहाँ पर ज्यादातर वातावरण ही चरित्र है। वातावरण आप देखिए कि सभी प्रकार का वातावरण जो है यहाँ पर दिखाया गया है, तो वातावरण जो है वो भी एक प्रकार से चरित्र है। तो सीता का चरित्र मूल रूप से यहाँ पर है, सीता जयमाला को पहनाने के लिए जाती है, किस प्रकार से वो शर्माती है, और सभी लोग अपनी अपनी तरफ से सोचते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि सोचती सखिया कि शायद लाज की मारी सिया जयमाला पहनाती नहीं है, सोचते हैं राम शायद हाथ से जयमाला मेरे शीश तक आती नहीं। अलग अलग प्रकार सीता जो है वो शर्मा रही है, किंतु वैसे उसके पलकों पर निमि राजा के बैठे थे, इसीलिए वो पलके उठ नहीं पाती है, वो सोचती है भीतर भीतर।
सीता यहाँ पर कृषि का प्रतीक है। 21 पीढ़ियों की कथा को वो अंतर जगत में चलती है उसके। तो दूसरा यहाँ पर चरित्र निमि राजा का। निमि राजा एक प्रजावत्सल राजा थे, वीर राजा थे। अपनी प्रजा के लिए उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करते समय उनको अपनी आहुति देनी पड़ी क्योंकि अपने कुल गुरु को उन्होंने नाराज किया था। तो प्रजा के लिए मर मिटने वाले राजा, प्रजावत्सल राजा थे और उन्होंने पूरी कथा कही है। वो फिर से वो जिंदा नहीं होना चाहते थे, वो समय बन के जीना चाहते थे। तो इस प्रकार से उनका निमि राजा का चरित्र भी इसमें है। निमि राजा निडर राजा है, वो अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। प्रजा क्या जो है वो राजा के लिए क्या कर सकती है। तो आप देखिए कि उसका उनका जो मंथन होता है, यज्ञ होता है, जो प्रजा इतनी खुश है, इस प्रकार से काम कर रही है, आप देखिए। तो यहाँ पर वो भी फिर कुलगुरु वशिष्ठ का जो है वो भी चरित्र है। तो कुलगुरु वशिष्ठ यहाँ पर दो भागों में विभाजित है। निमि राजा के कुलगुरु जब वो थे, वशिष्ठ जो थे, वो एक क्रोधित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, बिल्कुल क्रोधी थे और किस प्रकार से वो शाप दे देते हैं। दूसरे अवतार में वो बिल्कुल शांत और सौम्य दिखाई देते हैं जब श्री राम के गुरु बनते हैं। तो दो प्रकार से उनके चरित्र है। तो इस प्रकार से जिसमें चरित्र भी है। संवाद की अगर हम बात करें तो खंड काव्य के बध्यात्मक संवाद और संवाद जो है वो यहाँ पर देखिए कि अंतर जगत में चलने वाले संवाद है। जैसे कि साइकोलॉजिक या मनोवैज्ञानिक उपन्यास या तो कहानियां या तो जो भी है उसमें होता है कि भीतर भीतर संवाद चलते, यहाँ पर भी ऐसी ही बात है कि सीता के अंतर जगत में चलते। निमि उनकी पलकों पर आकर बैठे हुए और जो सारी कथा कहते, सीता केवल दर्शक के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर संवाद जो है कई बार तो बहुत लंबे संवाद हो चुके हैं किंतु पाठक उससे उबता नहीं है क्योंकि उसकी पद्यात्मकता और लयबद्धता जो संवाद की है, पाठक उससे जुड़ा रहता है। आप ग्रामीण जीवन की जो बात करते हैं तब भी वो उसमें देखे कि ग्रामीण जीवन के संवाद में आप देखिए कि किस प्रकार वर्णन जो है वो बढ़िया है, संवाद से ज़्यादा वर्णन यहाँ पर है। और निमि राजा जो थे वो सीता के साथ कई कई संवाद करते हैं कि मेरी दुनिया खेत और खलिहानों की दुनिया है, मेरी दुनिया मित और मेहमानों की दुनिया है, मेरी दुनिया गीत और गुणगानों की दुनिया है। बहुत चाहता था दुनिया को दू सच्ची परिभाषा, लेकिन मेरी रही अधूरी हाय सभी अभिलाषा। तो ये निमि राजा के संवाद है और वो सीता को कह रहे हैं कि ये हुआ था। जैसे आप देखिए कि गंध जिसको पाकर हो उठे बावरे मोर, गंध जिसको खाकर हो उठे सावले मेघ, गंध जिसको पीकर हो गया तृप्त आकाश। तो ये लयबद्ध जो संवाद है वो हमें बांध रखते हैं, हमें छूटने नहीं देते। एक सफल रूप से ये संवाद जो है वो हमें बांध के रखते पूरे खंड काव्य में। तो संवाद का भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद से जो है बातचीत आगे बढ़ती है किंतु कई बार क्या होता है कि संवाद में एक ही व्यक्ति, अंतर जगत में चलने वाले संवाद है तो एक ही व्यक्ति कहता है, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। चौथा तत्व जो है वो देश काल और वातावरण। खंड काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें वर्णन होना चाहिए, देश काल का वर्णन होना चाहिए। तो ये कथा जो है पौराणिक है, रामायण के आधार पर कथा है किंतु कहीं भी ऐसा नहीं लगता क्योंकि इसमें कवि ने ऐसे वर्णन किए हैं। जैसे ग्रामीण जीवन के वर्णन है, मैंने आपको बताया कि एक किसान जो है वो किस प्रकार से उठता है, खेत में जाता है और इतना बढ़िया वर्णन किया है कि आप देख सकते हैं कि कृषक जो है वो खेत में आता है और किस प्रकार से आप देखिए कि खेत आया कृषक ने स्नेहार्द स्नेहार्द आंखों से समूची फसल को सूचित किया कि मैं आ गया हूं। बच्चों को जैसे अपने पिता कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं, इसी प्रकार से सूचित करता है। क्यारियों की गोद में दुबके नवांकुर जगड़ते हैं, नव अंकुर फूटे हैं, वो जैसे कि एक दूसरे से जगड़ते हैं।
अब वर्णन देखिए, छटपटाते हैं कृषक के पास आने को मचलते हैं, पिता को देख चंचल चपल शिशुओं की तरह, हल जरा ढीला हुआ तो मेड़ की कोमल मुलायम घास पर रस्सी छुड़ा कर दौड़ते हैं बैल। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे वर्णन जो है यहाँ पर किए गए। खंड काव्य की एक विशेषता है कि उसमें वर्णन होने चाहिए, वो कहीं नगर के वर्णन होने चाहिए, या तो किसी व्यक्ति के वर्णन होने चाहिए, या कोई प्रकृति के वर्णन होने चाहिए, या पर ग्रामीण जीवन और ग्रामीण जीवन से जुड़ी प्रकृति, उनकी दिनचर्या, एक कृषक की दिनचर्या, उन सब का वर्णन जो है बहुत अच्छे से लेखक सॉरी कवि ने यहाँ पर किया है। दूसरी बात कि इसमें जो है वो सर्गबद्धता होनी चाहिए, यानी कि छठा तत्व जो है सर्गबद्धता होनी चाहिए। तो सर्गबद्धता भी खंड काव्य की विशेषता है, खंड काव्य जो है सर्गों में बंधा होना चाहिए। तो यहाँ पर सर्ग नहीं है, किंतु यहाँ पर क्या है, विस्फोट है। और खंड काव्य के तत्वों में हम देखते हैं कि सर्ग जो है वो कम से कम 7 या 8 सर्ग होनी चाहिए, तो किंतु यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल 5 विस्फोट सर्ग नहीं है, सर्ग नाम नहीं दिया किंतु विस्फोट नाम दिया, और विस्फोट नाम भी 5 ही सर्ग या विस्फोट है। यानी कि खंड काव्य में तो 7 कम से कम होने चाहिए, किंतु यहाँ पर वो भी ये नहीं है, तो उसे खंड काव्य कहेंगे। किंतु कथा वस्तु जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कथा वस्तु की जो पहले विस्फोट की दूसरे के साथ, दूसरे विस्फोट की तीसरे के साथ, तीसरे की चौथे के साथ, और जैसे कि सीता जो है वो जयमाला लेकर खड़ी थी और अंत में जयमाला राम के गले में पड़ती है, उनको पहना देती है, तो कथा वही में समाप्त होती है। तो एक प्रकार से कहीं लगता नहीं है कि अगर हम ढांचे को छोड़ दे कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, इतने में ही 7 ही सर्ग होने चाहिए, अगर इस बात को छोड़ दे, आधुनिक युग में ये बातें कुछ अब ज़्यादा उतने महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती है, क्योंकि उस हिसाब से 7 सर्ग हो फिर भी आपको तो इस प्रकार से खंड काव्य में वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। और ये वर्णन जो है वो कृषि जीवन के वर्णन है। कई शुरुआत में हमने देखा कि सीता जो है वो जयमाला पहनाने के लिए जा रही, तो ये शादी के वर्णन है, उसमें किस प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं। निमि राजा जो थे वो अपनी राजधानी का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के वर्णन हमें पूरे खंड काव्य में देखने को मिलते हैं, और अंत में सीता जयमाला राम के गले में पहना देते हैं। तो ये वर्णन जो है वो देशकाल वर्णन जो है वो खंड काव्य में मिलते हैं, और पौराणिक जो है वो कथा है। तो ये वर्णन की दृष्टि से या तो देशकाल वातावरण की दृष्टि से बिल्कुल सफल खंड काव्य रहा है। अलग प्रकार से अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, पहले आप उसे समझा सकते हैं कि देश काल वातावरण क्या है, किसे कहा जाता है, उसके बाद ही सारी बातें आप बता सकते हैं। फिर रस निरूपण भी खंड काव्य एक विशेषता है। मैं जो बता रहा हूँ आप ऐसा ही लिखें ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। रस निरूपण, तो खंड काव्य में रस का स्थान भी, रस निरूपण भी होना चाहिए, क्योंकि रस एक ऐसी चीज है जो पाठक को उसके साथ बांधे रखती है, कथा के साथ बांध के रखती है। जैसे कि मैंने आपके पहले हम कुछ पढ़ रहे थे, तो आगे आगे हम पढ़ते ही जाए ऐसा हमें लगे, ऐसे रस जो है वो होने चाहिए। तो खंड काव्य में या महाकाव्य में ज़्यादातर आप देखें कि वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस जैसे रस का निरूपण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो ज़्यादातर हमें शांत रस देखने को मिलता है, क्योंकि कृषि जीवन का वर्णन है। कहीं पर रौद्र रस भी देखने को मिला, जब जो वशिष्ठ क्रोधित हो जाते हैं, निमि राजा जो है वो कई बार निमि राजा के निधन के बाद जो है वो प्रजा दुखी होती है, तो यहाँ पर श्रृंगार भी देखने को मिलता है। तो श्रृंगार 2 रूपों में यहाँ पर देखने को मिले, सीता और राम के जब मिलन होता है वो भी श्रृंगार निरूपण श्रृंगार रस है। दुखी होते हैं लोग तो वहाँ पर विप्रम श्रृंगार है, विरह में तड़पते हैं लोग। कई बार रौद्र रस क्रोधित हो जाते हैं, वहाँ पर रौद्र रस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से और ग्रामीण जीवन का जो वर्णन है, कृषि जीवन का जो वर्णन है, उनके बिल्कुल शांत रस में देखने को मिलता है। तो रस निरूपण की दृष्टि से भी ये खंड काव्य सफल है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा और शैली, भाषा किस प्रकार, शैली किस प्रकार से है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भाषा जो है वो खंड काव्य के महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखती है कि पाठक के साथ उसका जुड़ाव बहुत जरूरी है। खंड काव्य में एक तो पद्यात्मक भाषा होती है,
और सरल भाषा होनी चाहिए क्योंकि पाठकों को समझ में आ सके। इस खंड काव्य की अगर हम बात करें तो इसकी भाषा बिल्कुल सरल है। आप जैसे पढ़ते ही जाए, आपको ऐसा नहीं कि भाई पढ़ने के बाद आपको समझने के लिए रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल सरल भाषा में और सहज एकदम लयबद्ध शैली में, एक प्रवाही शैली जिसे हम कह सकते हैं कि नदी की तरह, जो नदी का प्रवाह जैसे होता है उस प्रवाह की तरह शैली जो है वो यहाँ पर है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, विविध प्रकार के वर्ण, और छोटे आप देखिए कि शब्द भाषा की, गेहूं की सलोनी क्यारियों को पास से देखा, इन्हें तो आज पानी चाहिए ही, अरे कोई घुसा है जानवर रातों हमारे खेत में, और फिर तो चल पड़े सब काम अपने पाँव, बहती है पसीने की नदी जिससे मैं थिरकती गीत तीरती बोल फलती कूक जैसे जा रही हो, इस प्रकार की प्रवाह में चलती भाषा, और वर्णनात्मक शैली जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। तो भाषा शैली की दृष्टि से भी बिल्कुल खंडकाव्य उपयुक्त है। अंत में उद्देश्य की अगर हम बात करें तो धनुष भंग खंडकाव्य का उद्देश्य, जैसा कि हमने कथा वस्तु की चर्चा की तब भी बताया था, तो ये धनुष भंग खंड काव्य जो है उसका उद्देश्य जो है वो निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि भारत में या तो किसी भी देश में हथियार जो है वो लेने की होड़ लगी है, हथियार बनाने की होड़ लगी है, सबको अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता है, और कोई परमाणु बम बना रहा है, कोई एटम बम बना रहा है, जो मिसाइल्स बना रहा है, और ये हथियार जो है वो हर रोज किसी काम में आने वाले नहीं है। कोई परमाणु बम है, कोई हथियार है, तो वो खेतों में काम के में नहीं आएंगे, या तो हल चलाने में काम नहीं आएंगे, या तो परमाणु बम खेत में डालने से उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बात जो है वो बताई गई है कि जब तक कृषि जो है वो ही जीवन के साथ जुड़ी हुई बात है, इसीलिए किसान को जगत का तात कहा गया है। किसान जो है वो जगत का तात है क्योंकि वो जगत को खाना देता है। अब किसान रात दिन मेहनत करता है तब जाके सब मिलता है, तो उसको जैसे कि उसको पानी की किल्लत है, उसको खेत में खाद की किल्लत है, और भी उनको चाहिए, उनके पास अगर पैसा नहीं है तो कैसे करेगा। महत्तम जो बजट है वो जो डिफेंस में जाता है, जो हथियार खरीदने में जाता है, तो उसमें से कोई उत्पादन नहीं होता है। वो पैसा अगर खेत में लगता, किसानों को में लगता, तो उत्पादन ज्यादा बढ़ता, लोग खुशखुशहाल होते, और किसान कितना खुश होता। तो ये बात बताने की निशस्त्रीकरण, धनुष जो है वो टूटा, धनुष का टूटना निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात है। सीता का जयमाला पहना देना, सीता यहाँ पर कृषि का प्रतीक है, यह कृषि का जब तक विकास नहीं होगा तब तक मानव सभ्यता जो है वो दुखी रहेगी। इसलिए कृषि का, हमारे देश में आप देखिए कि हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, तो हरित क्रांति होने के बाद हमने विदेशों से कहीं गेहूं लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम दूसरे लोगों को दे रहे हैं। तो ये है कि जब इसमें ज्यादा विकास होगा तब जाके देश या कृषि का विकास होगा, तो सारी प्रजा का विकास होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर धनुष जो है वो हथियार का प्रतीक है, शस्त्र का प्रतीक है, और वो धनुष जब पड़ा पड़ा रहता है, ये पिनाक नामक धनुष जो था वो पड़ा ही रहता है, और तो राम ने जैसे ही छुआ तो टूट जाता है। तो ये बात है कि जब हथियार जो है पड़े रहते हैं तो बिगड़ते हैं। तो इस प्रकार से धनुष भंग की कथा जो है वो निशस्त्रीकरण, विश्व में निशस्त्रीकरण की बात कर रही है कि कृषि का विकास होना चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए। सीता जो है कृषि का प्रतीक है, धनुष जो है शस्त्र का प्रतीक है, और जब तक वो कहते हैं कि जब तक कोई राजा हल चलाने के लिए नदी सिंहासन से नीचे नहीं उतरेगा धरती पर, तब तक सीता पैदा नहीं होगी। सीता कृषि का प्रतीक है, सीता जमीन से, धरती से पैदा हुई है, धरती की बेटी है, और जनक जो है वो जब हल लेके नीचे खेत में चलाते हैं हल, तब सीता उनको मिलती है। तो इस प्रकार से कृषि का विकास जो है तभी होता है जब प्रजा के बीच राजा जो है हल लेके जाए, यानी कि उस प्रकार से उनको मदद करे। तो ये पूरा उद्देश्य जो है इस खंड काव्य का ये है। ठीक, तो तत्वों के आधार पर इस प्रकार से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से अगर मूल्यांकन करना चाहे कैसा, धनुष भंग की प्रतीकात्मकता, तो
सी मैंने आपको बताया इस प्रकार से कि धनुष जो है शस्त्र का प्रतीक है, निमि जो है प्रजापालक राजा के प्रतीक है, सीता जो है यहाँ पर कृषि जीवन का प्रतीक है। इसीलिए सारे वर्णन सारी बातें वो कृषि के आसपास घूमती है, शस्त्र और कृषि इसी के आसपास पूरा खंड का वे घूमता है। तो इसकी प्रतीकात्मकता है, प्रतीक जो है वो हमें बात बताते हैं कि भाई जैसे धनुष जो है वो प्रतीक है शस्त्र का, और वो टूटा यानी कि शस्त्र खत्म हो गया, ऐसे सीता जो है जयमाला पहना देती है तो ये विजय का प्रतीक है, सीता का जयमाला को पहनाना। शस्त्र टूटेगा तभी कृषि का विकास होगा, ये बात ये प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर कही गई है। ठीक है, पक्ष और भाव पक्ष की दृष्टि से खंड काव्य धनुष खंड काव्य का मूल्यांकन के लिए ऐसा पूछा रहे तो कला पक्ष जो और भाव पक्ष दो पक्ष है यहाँ पर, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो सब भाव पक्ष जो है उस कथा होती है, भाव क्या है उस खंड काव्य का, भाव वो क्या कहना चाहता है वो बात आपको भाव पक्ष में लिखनी होती है, जैसे कि उसकी कथा पूरी है वो, और उसमें रस यानी जो है वो आप उसमें लिख सकते हैं। कला पक्ष जो है वो उसकी भाषा शैली रस छंद निरूपण जो कुछ है वो कला पक्ष में। कला पक्ष जो है बाहरी पक्ष होता है कि उसकी रचना कैसी, और भाव पक्ष जो है वो भीतर का होता है, भीतर की बात है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो वो भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से अगर मूल्यांकन को पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, फिर शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक जो है वो प्रवेश द्वार होता है खंड काव्य के, या किसी भी कृति का शीर्षक कैसा है उसको देखकर, जैसे कि यहाँ पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आप उसको शीर्षक को देख के ही भी जा रहे हैं, खोलते हैं वीडियो को, तो शीर्षक प्रवेश द्वार है। शीर्षक जितना जिज्ञासापूर्ण या आकर्षक होगा उतना वो खंड काव्य सफल रहेगा। धनुष भंग तो सबको लग रहा है धनुष भंग तो ये इसमें राम और सीता की बात है, किंतु राम के स्वयंवर सीता के स्वयंवर की बात है, किंतु ये स्वयंवर को एक अलग तरीके से यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है, प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया है। तो शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, धनुष का टूटना और टूटने के बाद जयमाला पहनाना, तो धनुष भंग की ही बात यहाँ पर की गई है प्रतीकात्मक रूप से, तो शीर्षक यहाँ पर सार्थक साबित होता है। अलग प्रकार से कोई प्रकृति वर्णन अगर पूछा जाए तो जैसे कि हमने कहा कि किसान किस प्रकार से उनकी दिनचर्या है, किसान के जीवन की दिनचर्या में पूरा प्रकृति वर्णन है, किसान खेत में जाता है, मेहरिया जो है वो किसान के लिए खाना लेकर जाती है, बैल किस प्रकार से किसान को देखते हैं, कुएं में वो कैसे देखता है, जैसे कि अंकुर नवंकुरित फूटे हैं वो किस प्रकार से देखते हैं, गेहूं के खेत किस प्रकार से लहलहाते हैं, ये सारी चीजें जो है कृषि जीवन से, अगर हम तो सब कृषि से जुड़े हुए हैं, हमें तो इसमें जितना अच्छा वर्णन हम कर सकते हैं, सपन कर सकता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं कृषि जीवन के वर्णन को या प्रकृति के वर्णन को। तो यहाँ पर वर्णन जब पूछा जाए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वशिष्ठ ऋषि जो है उसके बारे में पूछा जाए तो मैंने आपको बताया कि वशिष्ठ ऋषि दो प्रकार से यहाँ पर दो भागों में हमारे सामने उनका चरित्र आता है। पहले क्रोधी थे, वो स्वार्थपरक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, किस प्रकार देवों के यज्ञ के लिए वो जाते थे, इतने सारे लोगों की प्रजा की चिंता नहीं थी उनको, किंतु वो देवों के यहाँ पर जाने जाने वाले थे, जा रहे थे, क्रोधित हो जाते हैं। निमि राजा ने यज्ञ कर दिया गौतम ऋषि को लाकर, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उस क्रोध में वो श्राप भी दे देते हैं, तो इस इतने क्रोधित व्यक्तित्व थे। दूसरे जन्म में वो बिल्कुल सौम्य और शांत हो जाते हैं और श्री राम के साथ वो रहते हैं, किस प्रकार से वो हम सबको मालूम है। तो उस प्रकार से दो प्रकार से उनका चरित्र जो है हमारे सामने आता है। तो पूरा खंड काव्य जो है इस प्रकार से परीक्षा लक्ष्य हम बात इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जब आप किसी खंड काव्य के बारे में लिखे या किसी भी प्रश्न के बारे में लिखे तो सीधा उत्तर मत लिखिए, आप उसको प्रश्न के पढ़िए, प्रश्न में क्या मांगा गया है उसको सोचिए और उस हिसाब से उसकी शुरुआत कीजिए। कवि परिचय आप कहीं से देख लीजिए, कवि परिचय तैयार कर लीजिए, खंड काव्य क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, फिर कवि के बारे में थोड़ा लिखिए, फिर जो मांगा गया है उसके बारे में आप लिख के बिंदास अपनी मौलिकता का जरूर उपयोग कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई शक्ति नहीं है। और कई लोग क्या है कि अंत समय तक देखते रहते हैं, हाँ अंत समय तक पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है, आपने एक बार आत्मसात कर ली बात तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार से खंड काव्य जो है और कुछ कुछ पंक्तियाँ जो है आप तैयार कर लीजिए, अच्छी बात है अगर आप वो लिख सकते हैं। जैसे वो वशिष्ठ के बारे में कहते हैं कि बेटी सीते गुरु वशिष्ठ क्रोधी थे, चाहे पाखंडी थे, यश लिप्सा से गिरे हुए मन के रोगी थे,
अब इतने ही में पूरा उनका चरित्र आप लिख सकते हैं कि वशिष्ठ क्रोधी थे तो क्रोध कैसे था उनको वो आप लिख सकते हैं। पाखंडी या तो यश लिप्सा से यश उनको चाहिए थे इसलिए वो देवों के यहाँ पर जाते थे, प्रजा की चिंता नहीं थी उनको। ये सारी चीजें आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप अगर पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, क्या कि दूसरी बात आपको यह देखने को मिल सकती है। आप सब क्या बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर तक आप जुड़े रहे, थैंक यू वेरी मच।